ललितपुर में प्रशासनिक नाकामियों का दौर जारी है। छात्रों की समस्याओं को निपटाने में नाकाम ललितपुर जिला प्रशासन। लगातार छात्र कई महीनों से कर रहे हैं प्रदर्शन, लेकिन उनकी समस्या का अभी तक नहीं हुआ है निदान। तमाम छात्र संगठनों ने भी उठाई है आवाज, लेकिन अभी तक नहीं सुना गया। आखिर क्या मजबूरी है ललितपुर जिला प्रशासन की जो छात्रों की मांग को पूरा नहीं कर पा रहे, और उन जिम्मेदारों पर कब FIR दर्ज होगी जिनकी वजह से 854 छात्रों का भविष्य अंधकार में है और आज उन्हें आंदोलन करने पर मजबूर कर दिया। घंटाघर पर उन्होंने जाम लगा दिया और जमकर की नारेबाजी। DGIC का चाहे प्रशासन हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे मौजूदा जिला प्रशासन हो, साथ ही साथ शिक्षा मंत्री और इलाहाबाद बोर्ड के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आए हैं छात्र। छात्र अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं, प्रशासन अपनी तरीके से मनाने में लगा है छात्रों को, लेकिन उनकी समस्या का निदान ना प्रशासन कर पा रहा है, ना उत्तर प्रदेश के जो मंत्री हैं शिक्षा मंत्री वो कर पा रहे हैं, और ना ही मुख्य सचिव हैं वो कर पा रहे हैं शिक्षा के। इसके साथ साथ जिन जिम्मेदारों की वजह से आज छात्रों की यह हालत हुई है, उन पर कार्रवाई कराने में भी नाकाम है शिक्षा मंत्री, मुख्य सचिव शिक्षा, इसके साथ साथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं वो भी इस प्रकरण का संज्ञान ले सकते थे, लेकिन उन्हें यह मुद्दा बड़ा नहीं दिखाई देता। ललितपुर के नेताओं की नाकामी किससे छुपी हुई नहीं है, किस प्रकार से ललितपुर के नेताओं ने जनता के साथ जो छलावा किया है वो तो किया ही है, साथ साथ हर मुद्दे पर वो विसग्निशक्त होते हुए नजर आते हैं, हमेशा पीछे खड़े नजर आते हैं। जनता की एक भी समस्या का निदान मौजूदा ब्यूरोक्रेसी और ब्यूरोक्रेसी के जो नेता हैं वो नहीं करा पाते। नेता वोट मांगने के लिए तो आते हैं, लेकिन उन्हें इन छात्रों का दर्द दिखाई नहीं दे रहा। 854 छात्र, उनके परिवार, सभी लोग परेशान हैं। लगातार सड़कों पर हैं छात्र, कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, मजबूरन घंटा घर पर उन्हें जाम लगाना पड़ा। इसके साथ साथ प्रशासन की जो व्यवस्था होना चाहिए वो व्यवस्था भी फेल होती हुई नजर आ रही है। छात्रों की समस्या का कोई भी एक उपाय ढूंढ लेते तो छात्र मान जाते, लेकिन छात्रों की समस्या का निदान ना कराकर अपनी निकम्मेपन का परिचय देता हुआ नजर आ रहा है संपूर्ण ब्यूरोक्रेसी और नेता। इन नेताओं के लिए उनके शायद बच्चे नहीं पढ़ते होंगे इन स्कूलों में, इसलिए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन अधिकारियों को भी फर्क नहीं पड़ता है, चूंकि उनके बच्चे नहीं पढ़ते हैं इसलिए उन्हें भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बच्चे ना हमारे हैं ना आपके हैं, इसलिए आपको दर्द नहीं होगा, लेकिन बच्चों के भविष्य के साथ क्या हो रहा है वो हम सब महसूस कर सकते हैं। समय रहते अगर कदम नहीं उठाए गए तो इन बच्चों का भविष्य अंधकार में चला जाएगा, और उसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं आके नेता और ब्यूरोक्रेसी होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे, मुख्य सचिव होंगे, मुख्य सचिव सचिव शिक्षा होंगे और शिक्षा मंत्री होंगे। अगर इस प्रकार की समस्या का निदान नहीं करा पा रहे हैं तो शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। आप योग्य ही नहीं है शिक्षा मंत्री बनने के लिए, इस प्रकार का मैसेज आप जनता के बीच में दे रहे हैं। जब छोटी सी समस्या का निदान नहीं करा पा रहे हैं तो आपको अपने पद पर बैठने का भी कोई हक नहीं है। तत्काल रूप से उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, और इन बच्चों की समस्या को नहीं तो निपटाइए और उन्हें बताइए कि आपको किस तरीके से आपकी समस्या का निदान होगा। पुलिस लगाकर आंदोलन को दबाकर कुछ हासिल नहीं होने वाला, ना वो छात्र मानने वाले हैं। आपके कामना करने के कारण तमाम क्षेत्र से पुलिस वहां पर खड़ी हो जाती है, तमाम ब्यूरोक्रेसी खड़ी हो जाती है, और छात्र परेशान होते, आम जनता भी परेशानी का सामना करती जब कोई आंदोलन होता है। ऐसे में जिम्मेदारी किसकी है, कौन इस जिम्मेदारी का प्रवहन करेगा, कौन ये कहे कि इनकी गलती हो, इन पर FIR होनी चाहिए। क्या ललितपुर DM अन्नाभी दिनेश कुमार इतने सक्षम है कि जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं उन पर FIR दर्ज करा पाएंगे, उन पर मुकदमा दर्ज करा पाएंगे ललितपुर DM अन्नाभी दिनेश कुमार? क्या सदर विधायक राम रतन कुशवाहा कुछ कर सकते हैं लोगों के लिए, ज्ञापन लेने से काम चल जाएगा? क्या स्थानीय मंत्री कुछ कर सकते हैं, क्या स्थानीय सांसद कुछ कर सकते हैं? तमाम उद्घाटनों में आप पहुंच रहे हैं, तमाम कार्यक्रमों में आप पहुंच रहे हैं, लेकिन जनता के मुद्दे जहां होते हैं वहां से आप सब नजारद होते हैं। फोटो खिंचाई, काम खत्म हो गया, उस समस्या का निदान हुआ कि नहीं हुआ इसको लेके अभी तक कोई भी नेता कभी सामने नहीं आया है, ना ही आता हुआ नजर आता है। सपा के छात्र संगठन गायब है, कांग्रेस भी उसमें गायब दिखाई दे रही है, लेकिन कांग्रेस ने बहुत आवाज उठाई, BJP वाले नजारद हैं,
लेकिन छात्र अब अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं, खुद मैदान में हैं और आवाज उठा रहे हैं। हम भी कहेंगे जिला प्रशासन समय रहते कदम उठाइए, समय रहते कदम उठाइए। बच्चों के लिए काफी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा और उनका भविष्य कहीं ना कहीं अंधकार में होता हुआ नजर आएगा। तमाम नेताओं से भी कहेंगे आवाज उठाइए, इन बच्चों के फेवर में आवाज उठाइए और बताइए कि किस प्रकार से बच्चों के साथ गलत हो रहा है और समय रहते इनकी समस्या का निदान होना चाहिए। आपका क्या कहना है, कहां पर लापरवाही, कहां चूक हुई, किन के कारण से आज बच्चे परेशान है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और बताएं कि किस प्रकार से ललितपुर में कुछ लोगों के कारण आज 854 छात्रों का भविष्य अंधकार में है और उन लोगों को बचाने में जुटा हुआ है ललितपुर जिला प्रशासन। आखिर FIR क्यों दर्ज नहीं करा पाए ललितपुर DM अन्ना भी दिनेश कुमार, FIR क्यों दर्ज नहीं की ललितपुर SP ने, FIR, ये सवाल खड़े होते हैं और इनका जवाब कहीं ना कहीं जनता के बीच में ये छात्री देते हुए नजर आएंगे। जय हिंद, जय भारत, सेफ रहें, स्वस्थ रहें, घर पर रहें, नमस्कार।